नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। काफी सारे लोगों का कहना है अगर नहीं किए फाइल तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेगी गवर्नमेंट, क्या कर लेगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या कर लेगी और गवर्नमेंट क्या कर लेगी, ये हम लोग जान लेते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटे से चीज के लिए इन्वाइट करता हूं कि इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपने समय पर नहीं कर पाए, ये वीडियो देखना है, समय पर अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो कौन कौन से प्रैक्टिकल आप बहाने दे सकते हो, ये आप लोगों को इसमें डालना है, राइट। तो जस्ट ये इसके बेसिस पे मेरा शाम को भी एक वीडियो आने वाला है जिसपे मैं जितने खुराफाती आइडियाज हो सकते हैं वो सारा मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज आपको कमेंट करना है, राइट। तो अभी शेयर करता हूं कि गवर्नमेंट क्या कर ली। तो दोस्तों, ये पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 44AB, इसका मतलब टैक्स ऑडिट जिनके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए पेनल्टी क्या है, ये हम जानने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, इफ एनी पर्सन फॉल्स अंडर द सेक्शन, मतलब जिसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और वो ऑडिट कराने से चूक जाता है तो क्या होगा, ये जानते हैं। तो उसको क्या लगेगा, दोनों में से जो कम हो वो लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों में से जो कम, दो ऑप्शन में से सबसे कम, 0.5% उसके टर्नओवर का या फिर 1.5 लाख रुपए, ये दोनों में से जो कम हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर टर्नओवर सपोज करिए 5 लाख रुपए, उसका 0.5% कितना होने वाला है, यस 2,50,000। और 2,50,000 और 1.5 लाख रुपए में कौन सा कम है, 1.5 लाख रुपए, तो फिर 1.5 लाख रुपए उनको पेनल्टी लगने वाली है। लेकिन अगर उनका टर्नओवर केवल 2 लाख रुपए है तो उसका 0.5% कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा। तो 1 लाख और 1.5 लाख में कौन सा कम है, 1 लाख कम है, तो 1 लाख रुपए ही पेनल्टी लगने वाली है। तो जितना टर्नओवर का 0.5% होगा या फिर 1.5 लाख, दोनों में से जो कम हो, ये क्लियर है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब आपको आपको नहीं लगने वाला पेनल्टी। ये कब नहीं लगने वाला, एक बार फिर से याद करिएगा, मैंने बोला है कि कमेंट करना है कौन से आइडियाज आपके काम के हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 273B ये कहता है कि नो पेनल्टी शैल बी लेविड अंडर सेक्शन 271B। ये जो है पेनल्टी सेक्शन 271B के तहत है, या 0.5% ऑफ टर्नओवर या 1.5 लाख, दोनों में से जो कम हो, राइट। तो सेक्शन 273B ये कहता है कि ये जो टैक्स ऑडिट वाला लेट फाइलिंग पेनल्टी नहीं लगेगा अगर रीजनेबल क्लॉज, ऐसा रीजनेबल क्लॉज जिसको माना होगा कभी किसी ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स के, या फिर कोर्ट ने इनके बातें मानी होगी, ये बहाने माने होंगे या फिर ये कारण माने होंगे। तो ये कारण क्या हो सकते हैं, ये बताया हुआ है। सबसे पहला, अगर टैक्स ऑडिटर ने कोई रेजिग्नेशन दे दिया, एन वक्त पे ऑडिट करते समय कहा कि मैं नहीं करता ऑडिट, और उसने एक रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, उसके कारण डिले हो गया, तो उसको जेन्युइन माना जाएगा, राइट। तो उनका अगर लेट हुआ तो उस लेट को, डिले को कंडोनेशन या फिर माफ किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई डेथ या फिजिकल इनेबिलिटी, मतलब फिजिकली कोई चैलेंज आ गया जिसके कारण आप पार्टनर या डायरेक्टर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए जिससे ऑडिट हो जाए, तो भी वो रीजनेबल क्लॉज माना जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई लेबर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई स्ट्राइक हो जाता है या फिर किसी तरीके से ऐसा स्ट्रेन हो जाता है जिसमें काम नहीं कर रहे हैं, लॉकआउट हो जाता है, और वो लंबे समय के लिए, 1-2 दिन नहीं, हफ्ते, 10 दिन 15 दिन, जिसके कारण काम ही नहीं कर पाया, कोई पेपर हाथ भी नहीं लगा पाया, तो ऑडिट हो नहीं सकता, इसी कारण इसको रीजनेबल क्लॉज माना गया है, राइट। कई बार लॉस ऑफ अकाउंट्स बिकॉज ऑफ फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, कई बार आग लग गई, बाढ़ आ गया, पानी घुस गया, या फिर पूरे रिकॉर्ड्स खराब हो गए, कंप्यूटर पूरे खराब हो गए, और उस चीज से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो उस केस में भी आप बच सकते हो। इसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नेचुरल कैलामिटीज में कोरोना नहीं आता होगा क्या, सोच के देखिए, क्योंकि आपको कमेंट करना है कि एग्जैक्टली कौन सा कारण हो सकता है जब हम लोग यहाँ पर पेनल्टी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो और देने वाला हूं जिसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या किया है एक रिप्रेजेंटेशन को, नेगेटिव या पॉजिटिव, आगे बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।